हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और ऐसे ही बहुत रहस्यमय घटनाएं भी घट चुकी हैं जिनके रहस्यों से कभी पर्दा नहीं उठ पाया। ऐसी ही एक घटना है 1911 में जेनेटिक ट्रेन के साथ हुई, जिसमें ट्रेन अचानक से एक गुफा के अंदर गायब हो गई और ट्रेन में मौजूद 104 लोग भी गायब हो गए और इस ट्रेन और इन लोगों का कोई पता नहीं चल पाया। और बहुत से लोगों का कहना है कि वे समय यात्रा करके वक्त में पीछे चले गए हैं। इस फैक्ट को पूरा जानने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो अब हम पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। यह घटना 1911 की रोम की है, जब लग्जरी ट्रेन बनाने वाली इटालियन ट्रेन कंपनी जेनेटिक ने एक ट्रेन तैयार किया था और लग्जरी होने के कारण ट्रेन के अंदर सभी तरह की सुविधाएं मौजूद थीं और इसे उस समय की सबसे बेहतरीन तकनीकी से बनाया गया था। इस ट्रेन में 3 डिब्बे मौजूद थे। ट्रेन की पहली यात्रा के लिए 106 लोगों को चुना गया जो अंतिम स्टेशन तक जाएगी और वापस अपने स्टेशन आएगी। यह एक ट्रायल यात्रा थी, इसलिए इन सभी को मुफ्त में टिकट दिया गया था और सभी के लिए ट्रेन में खाने पीने की व्यवस्था की गई थी ताकि बाद में बाकी लोगों का ट्रेन के प्रति प्यार बढ़े। 14 जुलाई 1911 को इस ट्रेन ने अपनी यात्रा शुरू की और सुंदर पहाड़ियों से होकर गुजरने लगी। यात्रा के दौरान ट्रेन को लैम्बोर्डी के पहाड़ में बने सुरंग से गुजरना था जो कि आधा किलोमीटर लंबी थी, लेकिन उस समय की सबसे लंबी सुरंगों में से एक थी। ट्रेन जब सुरंग से गुजर रही थी तो बहुत से लोगों ने ट्रेन को अंदर जाते देखा, लेकिन यह ट्रेन कभी बाहर नहीं आई। इन घटना के बाद रेल के कर्मचारियों और पुलिस ने इस ट्रेन की काफ़ी छानबीन की, लेकिन इसका कोई भी नामो निशान नहीं पाया। इस ट्रेन को किसी ने भी सुरंग से बाहर आते हुए नहीं देखा और ख़ास बात तो यह है कि यह सुरंग सिर्फ आधा किलोमीटर लंबा थी और उसके अंदर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। पर जांच के दौरान 2 लोग मिले जिनका दावा था कि वे ट्रेन के यात्रियों का हिस्सा थे। इन दोनों ने एक इटालियन प्रेस में दिए इंटरव्यू में बताया कि ट्रेन सुरंग में जाते ही काफ़ी धीमी हो गई और धीरे धीरे सफ़ेद धुएं के बादल में गायब होने लगी और ये दोनों व्यक्ति घबराकर ट्रेन से नीचे कूद गए, जिसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं है और ट्रेन का कोई सबूत नहीं मिल पाया। इस घटना के बाद रेल यातायात अधिकारियों ने इस सुरंग को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान प्लेन से इसके ऊपर बम गिराकर इसे नष्ट किया गया। लेकिन इस घटना की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि इससे जुड़े इतिहास के ऐसे बहुत से ऐसे दावे हैं जो इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं, जैसे कि प्राचीन लेख में मॉडेना के भिक्षुओं द्वारा माध्यमिक युग में जर्मनी, रोमानिया, इटली जैसे देशों में ट्रेन जैसी चीज़ को देखना का दावा मिलता, जबकि उस समय यातायात का साधन सिर्फ घोड़ा होता था। इसके अलावा ट्रेन में मौजूद किसी यात्री के रिश्तेदार में से एक जब पुराने पुरालेखों को देख रहा था तब उसे 1840 का एक अस्पताल का रिकॉर्ड मिला और उस रिकॉर्ड के अनुसार एक दिन एक साथ 104 लोग उनके अस्पताल में भर्ती हुए और सभी लोग अजीबोगरीब कपड़े में थे और अजीब हरकतें कर रहे थे। भर्ती किए गए मरीज में से किसी एक के पास एक सिगरेट का डिब्बा था जिसमें 1907 लिखा हुआ था। सिगरेट का डिब्बा अभी भी एक मैक्सिकन संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके बाद यह माना जाने लगा कि ये 104 लोग जेनेटिक ट्रेन से गायब हुए लोग हैं जो समय यात्रा में फंस गए, 1907 से 1840 में पहुंच गए थे। एक और घटना में 29 अक्टूबर 1955 को यूक्रेन के छोटे से शहर जेवेलिची में ड्यूटी पर मौजूद एक सिग्नल मैन ने एक पुराने से ट्रेन को पटरी पर धीरे धीरे चलते देखा, जबकि उस समय किसी भी ट्रेन के चलने का समय उनकी पुस्तक में मौजूद नहीं था। सिग्नल मैन के अनुसार इस ट्रेन का इंजन जेनेटिक कंपनी का था और इससे कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं था और ट्रेन के डिब्बे की खिड़कियों में पर्दा लगे हुए थे, पर कुछ समय बाद यह ट्रेन अचानक से गायब हो गया।
इस घटना से जुड़े ये सभी दावे तो यही बताते हैं कि जेनेटिक ट्रेन उस गुफा से समय यात्रा करते हुए वक्त में पीछे चली गई और ट्रेन में मौजूद सभी यात्री समय यात्रा में ही फंस गए। जबकि कुछ लोगों के अनुसार यह पैरेलल यूनिवर्स की घटना है। जेनेटिक ट्रेन की घटना कुछ लोगों के अनुसार तो सच्ची घटना है, वे इसे समय यात्रा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। जेनेटिक ट्रेन की घटना पर संदेह करने का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि इंटरनेट पर इससे जुड़े सभी आर्टिकल्स बस कुछ साल पुराने ही हैं, जबकि 100 से अधिक लोगों का इस तरह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होती। और इसके 1911 से ही बहुत से आर्टिकल इंटरनेट पर मौजूद होते। इसके अलावा जेनेटिक ट्रेन से जुड़े अन्य दावे जैसे मोडेना बच्चों का ट्रेन को देखना, 1840 में एक साथ 104 लोगों का अस्पताल में भर्ती होना और मैक्सिकन संग्रहालय में सिगरेट के डिब्बे का रखा होना, इन सभी दावाओं का सभी इंटरनेट पर कोई लेख नहीं मिलता। अगर बात करें समय यात्रा की तो विज्ञान के अनुसार यह संभव है, लेकिन विज्ञान के अनुसार इंसानों द्वारा समय यात्रा की टेक्निक खोज करने में अभी सालों लग सकते हैं। जेनेटिक ट्रेन का एक गुफा से अचानक समय यात्रा करने वाली बात नामुमकिन सी लगती है। अब जेनेटिक ट्रेन की इस घटना पर विश्वास करना ना करना लोगों के ऊपर है, और हमारे द्वारा दिए गए सभी निष्कर्ष इंटरनेट पर मौजूद सबूतों के आधार पर हैं, लेकिन बहुत से लोगों की राय अलग हो सकती है और हो सकता है जेनेटिक ट्रेन की इस घटना के बारे में इंटरनेट से हटकर और ज़्यादा जानकारी पता हो। अगर आपको यह फैक्ट अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।